Hi Zara, this is Aishwarya from Cine Speaks. So हाय welcome यश, to the show. थैंक यू। सबसे पहले तो वेरी मेनी कंग्रेचुलेशंस, आपका जो सॉन्ग है वो बहुत ज्यादा हिट जा रहा है. तो आपको क्या कहना है कि आपका जो न्यू रिलीज हुआ है उसके लिए आपको क्या कहना है कि कैसा एक्सपीरियंस था, कब शूटिंग की आपने स्टार्ट इसकी? हमने इसकी शूटिंग की अराउंड मार्च, आई गेस, एंड एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। गाना बहुत फेमस है एंड हम सबको पहले से ही पता था कि पीपल विल लव दिस सॉन्ग, बिकॉज पुराने गाने की जो एक मेमोरी है उसको रिकॉल करने के लिए काफी इजी था लोगों के लिए। एंड या फील्स रियली गुड नाउ, पीपल आर सो मच शेयरिंग एंड मेकिंग सो मेनी रील्स, टैगिंग मी, एंड when you do work hard in something and people appreciate your work, it's करेक्ट really good feeling actually. करेक्ट. तो इस तरह जिंदगी तो बहुत अच्छा जा रहा है, पर इससे पहले भी आपने काफी सारे म्यूजिक एल्बम्स में काम किया है. तो आपने काफी सारे मैं बताऊंगी सिंगल्स जैसे कि गुरु रंधवा, शान हो, अमित मिश्रा हो, सबके साथ काम किया है. तो आपको अगर मैं पूछूं आपके पर्सनल फेवरेट कौन है, तो ऐसे कोई है? सिंगर या सिंगल, गाना या ओके सिंगर? दोनों. ओके सिंगर भी बता सकते हैं और या सिंगल. मेरा सबसे अब तक का फेवरेट रहा है, लाइक अगर रीमेक बोले तो ये वाला, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट रीमेक है और इसको लेके मैं एक्साइटेड थी, और बिकॉज ये गाना पहले से मेरा काफी फेवरेट है इस तरह आशिकी का। और अदर देन दैट, डांस पॉइंट ऑफ व्यू देखू तो कांधे का वो तेल, बट अभी फिलहाल ये मेरा सबसे बड़ा फेवरेट है। और हम देख ही रहे किस तरह से फैंस जो हैं इतने सारे कमेंट्स कर रहे हैं. इफ यू लुक एट द व्यूज, 64K व्यूज, लाइक इट्स अमेजिंग अमेजिंग रिस्पांस. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मॉडलिंग का कदम, एक्टर का कदम कैसे रखा आपने और किस तरह ये जर्नी शुरू हुई आपकी? मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है, बीटेक कोर्स कंप्लीट किया है एज ए ग्रेजुएट, लाइक माय ग्रेजुएशन, पर मॉडलिंग अर्ली एज से शुरू किया है। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी अपने बीटेक की, आई मीन लाइक आई वाज अराउंड 18 और 19 इयर्स ओनली, तब से आई वाज टीनेजर मॉडल, एंड तब से लोगों ने एज ए मॉडल मुझे काफी अप्रिशिएट किया था इन दिल्ली। सो तब से जर्नी शुरू हुई थी 2011 में, और इन 2016 से जब से मैं मुंबई आई हूँ तब से आई स्टॉप्ड डूइंग मॉडलिंग, सो माय मेन फोकस इज एक्टिंग नाउ, सो दैट्स हाउ लाइक आई एम इनटू एक्टिंग काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, सो इट बिगन। या और हमें कुछ बताना चाहेंगे, कुछ ऐसी बातें, कुछ फन मोमेंट्स, या कैसा एक्सपीरियंस था व्हेन यू वर शूटिंग फॉर दिस सॉन्ग? तो उस टाइम कैसा था? बिकॉज आई गेस ये आपका पहला शायद कोलैबोरेशन रहा होगा टिप्स के साथ. जी, ये मेरा पहला कोलैबोरेशन है। तो वाज एनीथिंग डिफरेंट या इसमें कुछ और एक्सपीरियंस हुआ कुछ ऐसा? काफी सपोर्टिव टीम है टिप्स, एंड उन लोगों की लाइक जो विजन है जो अभी वो लोग ला रहे हैं, एंड इट्स क्वाइट अमेजिंग। एंड इस गाने को लेके स्पेशली ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इसको रीमेक तो किया, लेकिन पुराने गाने की ब्यूटी और इस गाने की ब्यूटी दोनों अलग अलग है, और लोग इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और सेकेंडली, पुराना गाना भी बहुत ब्यूटीफुल है, हमेशा रहेगा, और इसको नए गाने को जिस तरीके से उन लोगों ने ट्विस्ट किया इन टर्म्स ऑफ ए वेरी न्यू ट्रेंडी काइंड ऑफ बीट्स एंड इन वेरी ग्रूवी मैनर, व्हिच इज लाइक एक्साइटेड मी मोर एक्चुअली। एंड वो गाना सुनते ही फिर मैंने यही सोचा कि नहीं, दिस इज समथिंग व्हिच पीपल विल लाइक इन टुडेज जनरेशन। सो और टीम काफी 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 मतलब स्वीट है, दे आर लाइक वेरी सपोर्टिव एंड दे टेक केयर ऑफ एवरी स्मॉल थिंग ऑफ योर्स एज ए देयर आर्टिस्ट, सो व्हिच इज रियली। ओके ओके.
और अगर मैं पूछूं कि आप यू नो पर्सनली आपका यू नो कैसा यू नो आपने कैसे ये सोचा कि मतलब जब आपको मिला होगा ये ऑफर तो किस तरह से उन लोगों ने अप्रोच किया या कैसे शुरू हुआ, कैसे आपके पास आए, कौन आए और फिर कैसे आपने आपने क्या सोचा उस टाइम, आपका माइंडसेट क्या था कि यू नो करना चाहिए या व्हाट वाज योर थिंकिंग उस टाइम? Last song we had some interaction with Tips team, so up and I went for a meeting in which they showed me the reference and the song, and after seeing the reference, I was quite excited because it was something like Adil was the director, and of course Adil is a very good choreographer, we know. So that like moreover that's a club kind of groovy kind of stuff. So मेरा अभी तक का क्लब सॉन्ग कोई नहीं आया था, तो फिर मेरे लिए काफी थोड़ा सा ग्लैमरस था, काफी एक नया टाइप का टेस्ट था. तो मुझे हमेशा रहता है कि कुछ नया नया ऑडियंस को देना चाहिए, यू नो. तो इसीलिए यू नो इट वाज वेरी क्विक डिसीजन फ्रॉम माय एंड कि ओके आई वांट टू डू इट दैट वे. ओके ओके और मॉडलिंग और यू नो कमिंग इन म्यूजिक वीडियोस, इनके अलावा आपके कोई और शौक या कोई हॉबीज व्हिच यू यू नो व्हिच यू यूजुअली लाइक टू डू, ऐसा कुछ अगर आप शेयर करना चाहें? Traveling, more than like traveling, it's like more of a work. Work. I enjoy my work, and apart from my this career, also I have few other works like in business and all that. So I enjoy my work, traveling, and I like good. मैंने ये भी देखा कि यू नो यू आर एन एंटरप्रेन्योर, तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि आप क्या करते हैं, तो अगर आप शेयर करें कि व्हाट वर्क डू यू डू, बिकॉज़ यू आर मल्टी टैलेंटेड एज वी सी. No, nothing like that. I started 2-3 companies actually after my graduation, which is doing well now. Different sectors. Yeah, one is in fashion, one is in like a perfume brand, and one is in like production. So there are a few things going on. I won't say like even but my main agenda is acting, and people know me as an actor and model, which is like always my main focus to work on that first. So yes, amazing, amazing. So I would say thank you very much for this interview. And we would want to know more about you. You know, we want to see more about you know your new music videos, which would be coming up soon. Is there anything you have in mind ki next video jo hai, main you know is type ka karungi. Jaise ki is baar aapne chuna ki you know this groovy, peppy club kind of you know number which you have chosen to explore. To aisa kuch aapne socha hai ki ab next mujhe ye karna hai? Aisa kuch aapke dimag mein hai? के हिसाब से पूछो तो शायद मुझे अभी थोड़ा सा इंडियन क्लासिकल साइड पे थोड़ा एक करने का बहुत मन है. Wow. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो आ रहा है एंड जो डिस्कशंस चल भी रही है, दैट दोज आर आल्सो गुड. एंड लेट्स अगर इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई विल ट्राई टू शो माय सेल्फ टुवर्ड्स इंडियन क्लासिकल स्टफ लिटिल बिट. Wow, that sounds interesting. So fans are all excited. We are all excited to see you in different avatar. Let's see how your you know next videos come up, and we again catch up for an interview. Thank you so much for the interview today. All the best for your music video.